ओके, तो क्वेश्चन नंबर टू का हम पार्ट नंबर सिक्स सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। लेफ्ट साइड पे सिंपल टर्म है, हम इसको एज इट इज लिख देंगे, और राइट साइड पे हमारे पास दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, क्योंकि जब दो फ्रैक्शन माइनस हों या ऐड हों तो हमें वहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता है। हमारे पास इन दोनों टर्म्स का एलसीएम आएगा x-3 एंड x-4, और यहाँ आ जाएगा x-4 और यहाँ आ जाएगा x-3। जब भी माइनस के बाद कोई टर्म हमारे पास आए तो हमें ब्रैकेट्स लगानी है और इसी का ख्याल रखना है, क्योंकि माइनस नेक्स्ट आने वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देती है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस मौजूद हैं। इस टर्म को मैं एज इट इज लिख दूंगा, 2 ओवर x-9 इज इक्वल टू x-4 -x+3। माइनस ने साइन चेंज कर दिया है, एक्स पॉजिटिव था नेगेटिव हो चुका है और 3 नेगेटिव था पॉजिटिव हो चुका है। इन दोनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, फिर यही वाला एक्स 4 से मल्टीप्लाई होगा, -4x -3 मल्टीप्लाई बाय एक्स -3x एंड -3 मल्टीप्लाई बाय -4 +12, 2 ओवर x-9। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स माइनस एक्स और एक्स, क्योंकि दोनों सेम टर्म है और इनके साइन ऑपोजिट हैं इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। -4 + 3 -1, x² -4x -3x -7x + 12। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे दो फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय x² -7x + 12 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय x-9। मल्टीप्लाई करते हैं 2 को अंदर सब टर्म्स के साथ, 2x² -14x + 24 इज इक्वल टू -x+9। राइट साइड पे जो टर्म्स है हमारे पास -x+9, हम इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, 2x² -14x + 24 + x -9 इज इक्वल टू 0। लाइट टर्म्स को हम ऐड करेंगे, -14x + x, इनको जब हम ऐड करेंगे तो -13x हमारे पास आंसर आएगा। 24 - 9, 24 - 9 को जब हम ऐड करते हैं, जब हमने माइनस किया 24 - 9 तो +15 हमारे पास आंसर आया, इज इक्वल टू 0। 2x² - 13x + 15, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन गई। अब नेक्स्ट हमारा टास्क है इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से सॉल्व करना। हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव नंबर है। हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। सेंटर वाली टर्म्स डिसाइड करेगी कि दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। हमारे पास हम देखते हैं कि सेंटर वाली टर्म -13 है, तो हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो -10 एंड -3 फैक्टर बनेंगे, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो -13 बनेगा, और -10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो हमारे पास +30 बनेगा। यही हमारा रूल है फैक्टराइजेशन में फैक्टर बनाने का। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसकी जो सेंटर वाली टर्म है इसे ब्रेक करते हैं, -10x - 3x + 15 = 0। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम सिर्फ सेंटर वाली टर्म को ब्रेक करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म में कोई चेंज नहीं आएगी। 2x² - 10x, यहाँ से हमारे पास 2x कॉमन है x-5, और यहाँ से -3 कॉमन है x-5 = 0, और हम यहाँ पर लिखेंगे x-5 2x-3 = 0। जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हों और वो जीरो के इक्वल हों तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों में से कोई एक जीरो के इक्वल होगी। हम दोनों को बारी बारी जीरो के इक्वल रखेंगे, 2x-3 = 0, x-5 = 0, तो ये 5 जब उधर जाएगा तो x+5, और 2x = 3 उधर जाके 0+3 इट इज इक्वल टू 3 एंड 2x = 3 एंड x = 3/2। हमारे पास हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ चुका है, सॉल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का 5 एंड 3/2। दिस इज द
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।